हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी लोग इग्नू एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इग्नू एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। देखो, एग्जाम की तैयारी करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, साथ में मैं एग्जाम में कैसे लिखते हैं, आंसर को कैसे लिखते हैं, ये भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। देखिएगा, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इग्नू एग्जाम की तैयारी सबसे आसानी तरीके से होगी, आप लोग क्या करो, जैसे आप लोग गूगल में जाइए, वहां पर लिख दो ओल्ड क्वेश्चन पेपर इग्नू। सबसे पहले कहां पर जाना है, गूगल में जाना है, वहां पर लिख दो भाई मेरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर इग्नू, और पहला ही आपका वहां पर क्वेश्चन पेपर का आ जाएगा। यहां से जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा ना इंदिरा गांधी, यही लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का वेबसाइट देख लो, वेबसाइट सर्विस इग्नोसी डॉट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख देना, आपका आ जाएगा। और जैसे आप लोग आगे जाएंगे तो यहां पर आप लोग जाकर के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये लिखा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग यहां पर कई सारों साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज बताऊं, इग्नू की एग्जाम की तैयारी करने के कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे जून 2024 है, दिसंबर 23 है, जून 23 है, दिसंबर 22 है और जून 22 है, ये 5 आप तैयार कर लो। यानी जून 24 में जैसे आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे भाई आपका सब्जेक्ट है अगर मानो BNS है या कोई भी पेपर है, जैसे BNS 183 है, तो BNS 183 का आप लोग क्या कीजिएगा, 5 साल का या इतना क्वेश्चन पेपर आप लोग क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। भाई कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे एक सब्जेक्ट कोड हम लोग यहां पर देख रहे होंगे, जैसे आप देख रहे हैं BHDE 182, इसका आप लोग ना 3 साल का या 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करना है तो 3 या 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका एक पेपर कोड है BHDL 137, ठीक है, इसका भी आप करिए 3 साल का या फिर 5 साल का, अगर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका आपसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है, तो आप लोग मुझे जरूर बता देना, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता देता हूं। मेरा नंबर रहेगा 90, याद रखिएगा 90347474, ठीक है, मैंने क्या बताया 90347471 और 58, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा 90347471 58। भाई अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा प्रीवियस ईयर का, खास तौर से जो बीए वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप बीए ओनर्स के हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, साथ में आपको इस पर मैसेज करके आपको मैं क्लास भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, यानी कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग 3 साल का या 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और आप लोग उससे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्योंकि भाई मेरे एग्जाम में लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी ये आंसर शीट रहती, इग्नू में कुछ इसी प्रकार की रहती है। अगर आप लोग देखेंगे, देखो एग्जाम, थोड़ा मैं अगर लिखने की बात बता दूं, एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम आपको 4 पेज में लिखना, इस बात को याद रखिएगा भाई मेरे, ठीक है। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, एग्जाम पास करने का सबसे आसान तरीका है। एग्जाम में देखो इस क्वेश्चन स्टूडेंट ने, अगर आप देखें यहां पर लिखा इसने क्वेश्चन नंबर 2, इसने अगर आप देखोगे पूरा 1 पेज लिखा, दूसरा पेज लिखा, तीसरा पेज लिखा, चौथा पेज लिखा और इस बच्चे ने 5 पेज लिखा। 5 पेज लिखने के बाद इसको यहां पर 13 या 14 नंबर आपको मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आता, आप सबको पता होगा मोस्टली 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 20 नंबर के लिए आपको 4 पेजेज लिखने ही लिखने हैं। इससे आप नीचे भाई मेरे बच नहीं सकते, कम से कम 4 पन्ने लिखिएगा तो आपका एग्जाम पास करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इग्नू में जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, इससे पेपर पास करना सबसे आसान है, सबसे ईजी है, ठीक है, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे बेहतरीन इलाज यही भाई मेरे पेपर पास करने का। आप लोग, और 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता, 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 पेज लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 पेज, और
20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 पेज और अगर आप थोड़ी तेज लिखते हैं तो 5 पेज लिखना, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इसी को आप लोगों को फॉलो करना है। और एक काम करना, एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन लिखो ना तो भाई मेरे हेडिंग बना बना के लिखना। देखो अगर आप देखोगे इस बच्चे ने हेडिंग बना के बहुत लिखा, देखो समवर्ती सूची बताया, फिर समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं, अगर आप अवशिष्ट शक्तियां, तो एग्जाम में आपको हेडिंग बनाकर साथ में आपको एग्जाम लिखते समय क्वेश्चन लिखते समय आप उसमें भूमिका और निष्कर्ष जरूर लिखें। देखो सबसे पहले इस बच्चे ने क्वेश्चन जो शुरू किया क्वेश्चन नंबर 3, इसने भूमिका बताई, भूमिका में इस थोड़ा सा डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। देखो संघ सूची, राज्य सूची, देख रहे हैं कितने सारे इसने हेडिंग बना रखी, अवशिष्ट शक्तियां, अनुदान सहायता, वित्त आयोग, नीति आयोग, आप लोग देख रहे हैं नीति आयोग के सदस्यों का गठन, 2016 में GST। इस प्रकार से अगर आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे हेडिंग बना बना करके, पॉइंट बना बना करके, तो आप लास्ट में निष्कर्ष भी आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। निष्कर्ष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों देखो इस बच्चे ने निष्कर्ष लिखा भी है और इसको एग्जाम में देखो 15 नंबर मिले, कितने नंबर है भाई 15, 20 में 15 मिलना बहुत अच्छा मार्क्स होता है, कोई दिक्कत वाली 14-15 नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर लिखिएगा। और एग्जाम में आप लोग डायग्राम जरूर बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने से जैसे आप कोई जैसे आपको 4 पॉइंट बताने हैं तो आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के कई सारे तरीके हैं, आप अलग अलग प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, हर क्वेश्चन में 1-2 डायग्राम आप जरूर बनाएगा, इससे पेज भी भर जाता है और आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि किताब आपके पास जो बुक है उसको उससे आप लोग पढ़ाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बुक में देखेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना तो पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोग देखो पहला चैप्टर का नाम है काल विभाजन और नामकरण, इनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो भाई मेरे आप लोग काल विभाजन और नामकरण को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग, और एक जो चैप्टर है उसमें आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका बताया ना, जैसे हमारा चैप्टर है भाई काल विभाजन नामकरण, ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें काल विभाजन और नामकरण को ले लिया, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे किसी किसी किताब में अगर आप देखें किसी बुक में मान लो कि 12 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, तो आप लोग उसमें से 10 चैप्टर कर लेंगे तो आपका पास हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ के जाए, इससे इग्नू का एग्जाम जो है पास करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, इग्नू का पेपर पास करना भाई मेरे इजी हो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इग्नू में लोग ऐसे ही एग्जाम को पास कर सकते हैं और बहुत लोग पास। अगर आप देखेंगे जैसे आदिकालीन काव्य व्यवस्था है, तो इसमें आप क्या करो, जैसे आदिकालीन काव्य धर्म भय सिद्धि काव्य नाथ काव्य और जैन काव्य, 3 आप याद कर लीजिए, आप इन तीनों में से ही देखेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इग्नू की किताब में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर में इस चीज को भाई डिफाइन कर लीजिए और इसको निशान लगा लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट को आपको रटना नहीं है, रटना सिर्फ आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, और अगर आप लोग समझ लेंगे तो एग्जाम में आप लोग बेहतर तरीके से भी क्या कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो जो आपकी बुक है, आपके पास कोई हेल्प बुक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाइए, उससे आपका पास करना एग्जाम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। और खास तौर से प्रीवियस ईयर का 3 साल का या फिर 5 साल का, 3 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम आपका 100% पास हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको लिखने का तौर तरीका बताया, लिखने का तौर तरीका वैसे ही आपको लिखना है कि 20 नंबर के क्वेश्चन को जब भी लिखें तो 4 पेज में लिखे, 4-4.5 पेज जरूर भाई मेरे लिखे, इसलिए मैं आपको आंसर शीट दिखा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख सकें। और आप लोग अगर अच्छा लिखेंगे तो आपका एग्जाम भी पास करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी होगा। 10 नंबर के लिए 2 ही पेज लिखना, ठीक है, और बहुत ज्यादा रट वट के जाने की जरूरत नहीं, आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे तो पेपर आपका 100% इग्नू में पास हो जाता है, और इससे आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें एग्जाम से पहले मैं बताता रहूंगा, तो आप लोग इन वीडियो को जरूर देखें, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली वीडियो में भी मैं एग्जाम से रिलेटेड आपको चीजें जरूर बताऊंगा, साथ में आपको इग्नू की क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। खासतौर से आपका BA है या BA ऑनर्स है, BA BAG है या BAM प्रोग्राम है, तो उसकी क्लासेस पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको मोबाइल नंबर दिया उस पर
आप लोग मेरे से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सब्जेक्ट की क्लास भी पढ़ा दूंगा। जो जो मैं चीजें बताता हूँ आप इसको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली कह सकता हूँ भाई मेरे कि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मैंने आपको नंबर दिया उस पर जरूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की क्लास है वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो क्लास पढ़ा दूंगा जो भी। और बाकी आप लोग चैनल पर जाकर के बहुत सारी क्लास को देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय